हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रेट कुकिंग विद अश्मी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत यूनिक और बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तब खाने वाले आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि ये रेसिपी बहुत टेस्टी है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्या डाला है इस रेसिपी में। और मेरा भी यही सवाल था मेरी मम्मी को। ये रेसिपी एक्चुअली मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी ने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा कि उन्होंने इस रेसिपी में डाली है खुरमानी। और खुरमानी का नाम सुनते ही मैं हैरान हो गई कि इस सब्जी में खुरमानी डली हुई थी। खुरमानी का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती कि एक फ्रूट भी एक करी में इतना अच्छा फ्लेवर दे सकता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि खुरमानी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखती है और इसे खाने से स्किन में बहुत ग्लो आता है, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और भी हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी मम्मी की सीक्रेट रेसिपी पनीर खुरमानी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने दो प्याज लिए हैं और टमाटर की क्वांटिटी है 3। वैसे तो परफेक्ट करी बनाने के लिए हम टमाटर की क्वांटिटी प्याज से डबल रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खुरमानी भी डालेंगे अपनी करी में, और खुरमानी की एक अपनी खटास होती है, इसलिए टमाटर यहाँ मैंने एक कम लिया है। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर, 1 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ, और मैंने लिया है यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम, और हमारा मेन इंग्रेडिएंट खुरमानी। यहाँ पर मैंने 4 खुरमानी ली हैं मीडियम साइज़ की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स सारे आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। जैसे मैंने ऑनियंस को भी ग्रेट कर लिया है, टमाटोज की प्यूरी बना ली है, शिमला मिर्च के बीज निकाल कर मैंने शिमला मिर्च को मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है इस तरह से, और मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया अच्छे से, और खुरमानी को भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैं मसाले पहले ही इकट्ठे कर लेती हूँ। जैसे मैंने एक बाउल में 1 छोटा चम्मच जीरा का लिया है, और दूसरे बाउल में मैं ले लूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच नमक का। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 छोटा चम्मच नमक का लिया है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, चलिए हम पनीर खुरमानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 करछी तेल के गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ फॉर्चून का सरसों का तेल लिया है। मैं यहाँ मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से गरम कर लूँगी। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा चटक लेंगे। जीरा भूनते ही हम इसमें चॉप किया हुआ अनियन डाल देंगे, और अनियन को अच्छे से 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। मैं अदरक लहसुन प्याज के मिक्सचर को तब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन रंग ना ले ले। और लगातार हम इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के साथ लगे नहीं। अब अच्छे से हमारा मिक्सचर गोल्डन ब्राउन कलर ले चुका है। अब सभी मसाले डाल देंगे। यहाँ पर सभी मसाले एक बाउल में लेने का यही फ़ायदा रहता है कि परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आते ही आप सभी मसाले फटाफट से डाल सकते हैं।
अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद अब हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो प्यूरी के साथ ही हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें करी को तब तक भूनना है जब तक उसका बस तेल सेपरेट होने वाला हो। हमें इस करी का पूरा तेल सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक तेल सेपरेट होगा उससे पहले ही हम अपनी कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तेल सेपरेट नहीं हुआ है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शिमला मिर्च भी साथ में थोड़ी सी भुन जाए। हमें शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना और कच्चापन भी उसका दूर करना है, इसलिए हम ऐसे स्टेज पर शिमला मिर्च डालते हैं। और अब हम साथ में ही डाल लेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट खुरमानी। खुरमानी हमने ग्रेट कर ली थी और इसे अब हम अच्छे से करी में मिक्स कर लेंगे। खुरमानी को मिक्स करने के बाद हम लगातार अपनी करी को चलाते रहेंगे। हमें अपनी करी को तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। यहाँ मेरे गैस का फ्लेम मीडियम है। करी को भूनने में हमें लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, इसलिए हम लगातार इसे अपनी करछी से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी करी अच्छे से पक चुकी है। मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी ली है जिसमें आधी मलाई और आधा दूध डाला है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपनी करी में डाल लूँगी। इस तरीके से आप इस मलाई और दूध के मिक्सचर को डाल दीजिए और अपनी करी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं लो फ्लेम पे इस करी को पका लूंगी जब तक मलाई अपना घी ना छोड़ दे। अब आप देख सकते हैं कि मलाई अपना घी छोड़ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारे पनीर खुरमानी की जो करी है वो रेडी हो चुकी है। अब टाइम आता है पनीर डालने का। मेरा यही एडवाइस है कि जब आप खाना खाने के लिए रेडी हों आप पनीर तभी डालिएगा। ऐसा करने से पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है। मैंने यहाँ पर पनीर को क्यूब शेप में काट लिया है। ना पीसेस ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे। अब हम पनीर को डाल देंगे और पनीर को अच्छे से करी में मिक्स कर लेंगे। अब हम पनीर को कम से कम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं डाल दूंगी कटा हुआ धनिया। धनिया डालने से हमारी डिश बहुत सुंदर लगती है और धनिया खाने में भी बहुत हेल्दी है। अब आप देख सकते हैं कि सब्जी का जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है हमारा पनीर खुरमानी हो चुका है रेडी। पनीर खुरमानी का जो अरोमा ही है वो आपके मुंह में पानी ले आएगा। ये डिश बहुत टेस्टी बनती है। ये डिश आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।